आज आपको मजा आने वाला है, एकदम फुल पैसा वसूल बिना कुछ पे करे। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि ट्री पेंटिंग कैसे बनाते हैं, वो भी सिंपल वे में। उसके लिए आपके पास होने चाहिए ये सारे मटेरियल। तो आपके पास मटेरियल होनी चाहिए, ये एसी साइज का है। कैनवस पैड जब लोगे तो क्वालिटी चेक करना, अगर उसका जो कपड़ा है मोटा है तो बढ़िया है, अगर पतला है तो गैसो का यूज करेंगे। ये अलग से गैसो खरीदना पड़ेगा आपको, 500 ग्राम का है। इसका यूज कैसे करना है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। और भी मटेरियल आपके पास होने चाहिए, जैसे कि ये मास्किंग टेप, ये पौने इंची वाला है। आप एक इंची, हाफ इंची या पौने इंची देख सकते हो, चारों तरफ बॉर्डर पर लगाऊंगा। उसके बाद मैं गैसो को यूज करूंगा। उसके बाद आता है पेंसिल जो कि हमें ड्राइंग करने के लिए चाहिए होता है, तो गैस तो लगाने के बाद करेंगे ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रश, 12, 10 और 4, ये राउंड ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ फाइन आर्ट्स के। अगर आपके पास ब्रशेस है तो इसकी खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो खरीदने की जरूरत है। तो आपके पास ये वाले एक्रेलिक कलर होने चाहिए, 20 शेड वाले कलर जिसमें बनाओगे वो पैलेट भी आपके पास होने चाहिए, तो ये वाले पैलेट भी आप खरीद सकते हो। ये सारे आर्ट मटेरियल आप खरीदना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कैनवस पेंटिंग करने वाले हो तो ये सारे आर्ट मटेरियल आपके पास होने चाहिए। तो आज आपको बहुत मजा आएगा, इतना सिंपल में समझाऊंगा कि आप ऐसे कर लोगे कैसे, ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मास्किंग टेप आप देख रहे हो, इसका यूज करेंगे बॉर्डर लाइन बनाने के लिए, कैसे, ऐसे। तो चारों तरफ मास्किंग टेप लग चुका है, तो इसमें हम लगाएंगे गैसो। देखो गैसो को यूज कैसे करना है, आपके पास एक नाइफ होना चाहिए। नाइफ से हम निकालेंगे इस गैसो को और कैनवस पर लगाएंगे। देखो अगर गैसो लंबे टाइम तक चलाना है तो पानी का एक ड्रॉप नहीं जाना चाहिए, चांसेस है कि खराब हो सकता है। अगर आप गैसो खराब नहीं करना चाहते हो तो नाइफ से निकालें, कैनवस पर लगाएं, उसके बाद फ्लैट ब्रश से मर्ज करें, थोड़ा सा पानी ऐड करें और ब्रश के थ्रू लेवल करें पूरा। तो गैसो की कोटिंग कर सकते हो अगर आपके कैनवस पतला है तो, अगर आपका कैनवस मोटा है तो गैसो की कोटिंग जरूरत नहीं है। पता कैसे करें कि गैसो यूज करना है कि नहीं करना है, जब कैनवस को पकड़ोगे तो उसमें खिसखिस की आवाज़ आ रही है, अगर रफनेस की आवाज़ आता है तो कोटिंग कम है, गैसो का यूज करना है। खसखस की आवाज़ नहीं आता है तो गैसो को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बनाएंगे ड्राइंग जो कि ट्री का है। जब भी आप ट्री बनाए तो ऐसा स्पेस रहना चाहिए और हल्की हाथ से ड्राइंग करना चाहिए। हालांकि कैमरे में इतना आपको डिटेलिंग नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क ड्राइंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखे। आप ऐसे डार्क ड्राइंग मत करना, हल्के हाथों से करना। ट्री बनाना बहुत सिंपल है, जैसे हम क्लाउड बनाते हैं बबल टाइप में, वैसे बबल टाइप में बनाओ, ठीक है। दो तीन ट्री इस तरह से बनाओ कि साइड में ब्रांचेस भी दिखे, और जब ब्रांचेस बनाओ तो वी शेप में बनाओ। ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ कि डिटेल ड्राइंग कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, और क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आपको जब प्रैक्टिस करोगे। इसके जो सेशंस मैं देता हूँ, एक एक घंटे के होते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे के होते हैं, आप भी मेरे सेशन ज्वाइन कर सकते हो पैटर्न के थ्रू। वहाँ पे ये पूरी लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सीरियस हो सीखने को लेके, बस हर महीने आपको एक आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि आप इस वीडियो को टाइम दे रहे हो, पैट्रॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने हल्के हाथों से ड्राइंग किया है, ट्री को बनाया है मैंने। जब आप ट्री पेंटिंग बनाते हो तो पीसी कलर आपके पास होने चाहिए, जैसे कि व्हाइट, लेमन येल्लो, ग्रीन जो कि परमानेंट ग्रीन कहते हैं, और थोड़ा डार्क करने के लिए पर्शियन ब्लू का यूज़ करें। ट्री के ब्रांचेस पर भी कलर आएंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे। तब तक इन सारे कलरों को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास होने चाहिए ब्रशेस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 12, 10 और 4, ये तीन ब्रशेस आपके पास होने चाहिए। ये मैंने अपने हिसाब से यूज़ किया, आप अपने हिसाब से ट्राई कर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेमन येलो, जो कि हमारा बेस कलर होगा ट्री का। जितने भी मैंने ट्री का ड्राइंग किया है वहाँ मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से। एक्रेलिक कलर था साइन पेंट देता है, आपको दिख ही रहा है, तो पहले लेयर दिख ही रहा है, व्हाइट और लेमन येलो का यूज़ कर रहा हूँ। ये बेस कलर है, इसके ऊपर और भी आएंगे, लाइट टू डार्क जाना है हमें। ये टेक्निक हमेशा याद रखना, लाइट टू डार्क वाला मोस्टली हर पेंटिंग में अप्लाई करता हूँ। इसका नेक्स्ट शेड होगा लाइट ग्रीन, जो कि ग्रीन प्लस येल्लो ऐड करेंगे, और जो हमने येल्लो किया था वो छोड़ देंगे, उसके ऊपर हम पैचेस से करेंगे। ये थोड़ा वाटर कलर स्टाइल में जा रहा है। एक्रेलिक कलर के ऐसे बहुत सारे टेक्निक होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, 21 एक्रेलिक टेक्निक, आई बटन पर देख सकते हो। अगर आप वाटर कलर करते हो तो आपको शीट के बारे में पता हो। तो इसके बाद थोड़ा ऐड कर रहा हूँ मैं ग्रीन, जो कि मैं टेक्सचर के हिसाब से दे रहा हूँ। देख सकते हो मैं एक जो टेक्सचर है क्रिएट कर रहा हूँ डार्क साइड में, उसके साथ मैं थोड़ा पर्शियन ब्लू ऐड किया था कि और थोड़ा डार्क चाहिए मेरे को। तो मैं स्टार्टिंग से ही मैंने टॉप से ही फिनिशिंग देते हुए आ रहा हूँ नीचे की तरफ। आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ट्री का कलर कैसे होता है, आप ओवरऑल कलर भी कर सकते हो, फर्स्ट लेयर देखे, सेकंड लेयर देखे, थर्ड लेयर को देते हुए आप कर सकते हो, जैसे कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरह से नीचे की तरफ मैंने सेम अप्लाई किया है, जिस तरह से ऊपर मैंने टेक्निक को अप्लाई किया है सेम टेक्निक नीचे अप्लाई किया है, नीचे वाले ट्री पे। देखो ट्री बनाना बहुत ईजी है, बस आपका ध्यान ये रखना लाइट टू डार्क का शेड। पहले लाइट टोन दिया, सेकंड टोन दिया, फिर थर्ड टोन दे रहा हूँ। सेकंड टोन जो दिया मैंने मर्जिंग कर रहा हूँ फर्स्ट टोन के साथ, फिर थर्ड टोन सेकंड टोन के साथ मर्जिंग। ये खेल बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो।
इतना मुश्किल नहीं है। एक और अच्छी बात ये है कि जहाँ आपको लगता है कि लाइट कलर छुप गया है, डार्क कलर ज़्यादा हो गया है, तो आप उधर दोबारा लाइट कलर ऐड कर सकते हो। ये एक्रेलिक कलर की खासियत होती है। अब ओवर लेयरिंग भी कर सकते हो, तो जहाँ जहाँ मेरे को लगा लाइट शेड होना चाहिए मैंने ओवरलैप किया, फिर जहाँ जहाँ मेरे को लगा डार्क शेड होना चाहिए मैंने एक और डार्क शेड। तो इसके बाद हम करेंगे ब्राउन। यहाँ मैंने यूज़ किया बर्न एम्बर, जो कि डार्क ब्राउन भी कहते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा फाइन ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। जो आपको हल्के हल्के ब्रांचेस दिखाने तो पॉइंटेड ब्रशेस यूज़ करें, 4-3। एकदम कहीं हाईलाइट आपको देना तो 1 यूज़ कर सकते, 2 यूज़ कर सकते हो। ये सब करते करते मैं नीचे की तरफ आया। हमेशा ये ध्यान रखना जब पेंटिंग बनाए तो टॉप टू बॉटम जाए, फिनिशिंग करते हुए आए। आपको भी अच्छा लगे जो कलरिंग आपने ऊपर किया सेम कलर नीचे करना है आपको। तो नीचे जो मैं कलर दे रहा हूँ बेस दे रहा हूँ पूरा ब्राउन का, और यहाँ शेड दिया है मैंने थोड़ा, जहाँ से लाइट टोन आ रहा है जैसे कि राइट साइड से आ रहा है, तो वहाँ मैं थोड़ा लाइट टोन दे रहा हूँ ब्राउन का। ब्राउन का लाइट टोन आप वाइट ऐड कर सकते हो, मस्त बढ़िया तरीके से बना सकते हो। बेसिकली ट्री का टेक्सचर दिखाना है। ब्राउन के साथ थोड़ा मैंने येलो ऐड किया और थोड़ा शेड दिया नीचे। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, सिंपल ट्री पेंटिंग बना सकते हो। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। आई होप आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, बढ़िया तरीके से पेंटिंग बनाओगे। एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ सीखना है जानना है मैं कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो हर आर्टिस्ट को आर्ट मटेरियल खरीदना बहुत पसंद होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कहाँ मिल सकता है, कैसे होता है और कितने टाइप के आर्ट मटेरियल होते हैं, ये नहीं पता होता है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, यहाँ देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें ना, इसको फ्लो में बोले मजा, फ्लो ही टूट जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।